दो क्वेरीज को लिंक कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टेबल बना लो, तो यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा। अब आपको व्यू पे जाना है और यहाँ से डिजाइन व्यू पे आ जाना है, क्योंकि हम टेबल बनाना चाहते हैं और टेबल का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे देना है। फिलहाल मैं टेबल वन ही रखता हूँ और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। ये 2019 है, ठीक है। इसी तरह से सब में होगा, लेकिन 2019 में खास बात ये है कि जो क्वेरी तुम बनाती हो वो सीधा टेबल में भी लगा सकते हो कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से। एक कैलकुलेटेड डेटा टाइप एक्स्ट्रा दे दिया गया है इसमें, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। जो क्वेरी हम वहां जाके लगाते हैं वो यहीं पे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे चलो देखते हैं। जैसे मान लो ये हो गया स्टूडेंट आईडी, ठीक है, या स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट आईडी कर देते हैं। ये हो गया ऑटो नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट और ये टेक्स्ट डेटा टाइप रखते हैं और यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट जो भी लेना है इस तरीके से ले लेंगे। कंप्यूटर हो गया, ये हो गया हिंदी, कंप्यूटर रहता तो हिंदी नहीं रहता, इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं एक और सब्जेक्ट बायो है ना, बायो कर देते हैं। ये हो गया तीन, और यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक है। अब टोटल के साथ साथ हम तुमको एवरेज भी बता देते हैं, ठीक है। एवरेज भी कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लो। तो ये हो गया एवरेज, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया नंबर, इसको भी नंबर बनाएंगे, इसको भी नंबर बनाएंगे और इसको भी नंबर बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो टेबल वन का डेटा है वो इस तरह से सपोज कर लो कि जो है पीटी वन है, यानी कि पीरियोडिक टेस्ट वन का जो टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टोटल और एवरेज आ रहा है इसे हम कैलकुलेटेड डेटा टाइप भी रख सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटेड का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे, जबकि 2007 में जो आप यूज कर रही है वहां पर ये कैलकुलेटेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको सबसे पहले तो टोटल करना है, तो टोटल के लिए हम टोटल वाले ही कॉलम में है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर लिख देते हैं, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या है दूसरा इंग्लिश, सीक्वेंस इधर उधर हो सकते हैं लेकिन स्पेलिंग वगैरह सेम रहे तो ही सही रहेगा। बायो, तो मान लो स्मॉल लिख देंगे तो काम करेगा, नहीं काम करेगा तो कैपिटल ही लिख रहा है, क्योंकि कैपिटल हमने लिखा है डेटा में, कैपिटल ही दिया है। और यहाँ से ओके कर दो, तो ये हो गया कैलकुलेटेड की मदद से हमने कैलकुलेट कर दिया। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आएंगे और टोटल के बेस पे एवरेज कैलकुलेट होगा। कितने सब्जेक्ट हैं, गिनो तो तीन है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल अपॉन 3 कर देते हैं तो एवरेज आ जाएगा हमारा, बस एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्वेरी बन जाएगी, यहाँ से ओके किया तो ये पीरियोडिक टेस्ट वन हो जाएगा। अब ये हमने टेबल में ही क्वेरी बना ली है, अब इसका रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का नाम है राम, ये लिख दिया, यहाँ पर आएंगे कंप्यूटर का मार्क्स एंटर किया, फिर यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स एंटर किया, फिर यहाँ पे बायोलॉजी का मार्क्स एंटर किया, टोटल और एवरेज अपने आप आ रहा है, देखो आ गया ना, यहीं पर टेबल में ही आ जाएगा। जबकि हम क्या यूज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 या 19 यूज कर रहे हैं तो यहीं पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2007 यूज कर रही हैं तो आपको यहाँ क्रिएट पे जाके फिर क्वेरी डिजाइन पे जाना होगा, फिर वहां से क्वेरी बनानी होगी, ठीक है ना। फिलहाल मैं यही यूज कर रहा हूँ तो ये यहीं पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा डेटा एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये देखो दूसरा डेटा एंटर किया और यहाँ पे मार्क्स दे दिए हमने कुछ ये लाइक इस तरीके से, ये हो गया और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर भी आ गया, अब ये कोई एरर वैल्यू नहीं होती है, ये देखो ये कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ये आता है, हालांकि देता है क्वेश्चन वगैरह। तो ये हो गया, ये पहला टेबल हमारा क्रिएट हो गया, अब इसको सेव कर देते हैं, अब दूसरा टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ टेबल पे जाना है आपको और टेबल पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और ये एक तरह से समझ लो कि ये पीरियोडिक टेस्ट टू होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, तो ये लिख दिया मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर, ये हो गया ना। यहाँ पर आएंगे, इसे ऑटो नंबर नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें हमने ऑटो नंबर रखा था, शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं, ठीक है। और हमने दिया था स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पर भी रख देते हैं स्टूडेंट आईडी तो सेम ही होगी, ये तो पता है ना। और यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप था एक बार चेक कर लेते हैं, ये स्टूडेंट आईडी कौन सा डेटा टाइप था, ऑटो नंबर था, तो यहाँ पर हमको नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आपने ऑटो नंबर रखा है तो आप नंबर भी दे सकते हैं लिंक कराने के लिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आईडी हो गई, और फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट का, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, और बस यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रख लेना है, और टेक्स्ट डेटा टाइप में शॉर्ट टेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके में टेक्स्ट आएगा सर, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर यहाँ पे आप मार्क्स ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, और बायो था ना, तो सेम यही सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, बी आई ओ एल और बायो था, बी आई ओ रख देते हैं, ठीक है। तो ये रख लिया हमने, और फिर यहाँ पे टोटल करेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल आ गया, और टोटल के बाद यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पे एवरेज भी कर लेते हैं, तो ये एवरेज आ जाएगा, तो ये एवरेज भी हम निकालेंगे, तो पूरे स्टूडेंट का एवरेज आएगा, और यहाँ से सबको नंबर डेटा टाइप बना लीजिए, तो ये नंबर हो गया, इसको भी नंबर बनाएंगे, यहाँ से जाकर के इसको ये नंबर कर लिया, और ये लास्ट सब्जेक्ट है हमारा बायो, तो इसको भी नंबर कर लेंगे, और नंबर करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो कैलकुलेटेड मिल जाएगा आपको, और वहां पर था तो क्वेरी बनानी पड़ेगी आपको। आ गया, किसको किसको ऐड करना है, कंप्यूटर इंग्लिश और एट लास्ट प्लस कर देते हैं बायो, बी आई ओ, ठीक है। और अब यहां से इसको ओके करिए, ये हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल के बेस पे एवरेज कैलकुलेट होता है, यहाँ पर नंबर रखना नहीं है हमको, कैलकुलेटेड ही रखना है। तो ये आ गया, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे टोटल, टी ओ टी ए एल, टी ओ टी ए एल, अपॉन कितने सब्जेक्ट है, थ्री सब्जेक्ट है तो थ्री लिख दीजिए, बस यहाँ से ओके कर दीजिए, काम हो गया आपका। यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया था, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ रख देता हूँ मैं, लाइक 1001 मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, और रोल नंबर तो 1, 2, 3 से ही था, और यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट क्या क्या दिया था हमने, सेम नेम दे सकते हैं यहाँ पे, राम श्याम था, तो बस यहाँ पे राम लिख देता हूँ, और इनके मार्क्स अब लेके आ जाता हूँ, लाइक 56 है, 45 है, 45 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ना, एवरेज भी आ गया और टोटल भी आ गया, अपने आप आ गया ना। अब श्याम कर देते हैं दूसरा नाम, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1002, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे 2 दे दिया रोल नंबर, और यहाँ पे लिख देता हूँ SHY श्याम हो गया, और यहाँ पर नंबर दे देते हैं 88, 45, और यहाँ पे 56, तो ये आ गया, यहाँ पर ये भी आ गया। तो दोनों ही टेबल्स हमने बना लिए हैं, इनको सेव कर लेते हैं, और अब जब रिलेशनशिप क्रिएट कराना होगा तो कहाँ जाएंगे, डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, और सीधा सीधा रिलेशनशिप पे चले जाएंगे, और बस रिलेशनशिप इसमें क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इन फील्ड कॉमन हमें होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगी, ठीक है। इसको इधर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, तो ये हो गया। अब इसमें रिलेशनशिप स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट आईडी से क्रिएट होगा, तो इसको यहाँ पे ले जाके रख सकते हैं, और यहाँ पर पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि इसको ऑफ करना होगा, ठीक है, नहीं तो ये दिखेगा नहीं, मतलब रिलेशनशिप आप नहीं क्रिएट करा पाएंगे जब तक कि इस टेबल को ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप यहाँ पर रखिए इसको, बस ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, दिख ही रहा है नीचे, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट कर दो क्लिक, तो ये हो गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जब टेबल वन पे जाएंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा प्लस का साइन, और यहाँ पर जाएंगे तो ये दिखाई पड़ेगा कि इनका PT1 में ये था और PT2 में ये था, इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, ओके।